हैदराबाद में दादू में सफाई जो निज़ाम बेहतर करे गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमू दहन डी में फाल कर हुक्म दिनों वो है ब्रेक नुस्मा करी हैदराबाद का जिते दादू में सफाई जो निज़ाम बेहतर करे गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमू दहन डी में फाल कर हुक्म दिनों वो है सिंध हाईकोर्ट बेंच सफाई जो निज़ाम बेहतर करे गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमू दहन डी में फाल कर हुक्म दई छो है वकील पारा सफाई ए गैर फाल स्कीमुन खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कराई हुई जडे दादू कैनशा मेहड़ ए जोही में कचरे जा ढेर लगल आन दरख्वास्त में अड़ो मौकफ अख्तियार किया हैदराबाद का दादू में सफाई जो निज़ाम बेहतर करे गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमू दहन डी में फाल कर हुक्म दिनों वो है सिंध हाईकोर्ट बेंच सफाई जो निज़ाम बेहतर करे गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमू दहन डी में फाल कर हुक्म दई छो है नाजरीन वकील पारा सफाई ए गैर फाल स्कीमुन खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कराई वही हुई जडे दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया है दादू कैनशा मेहड़ ए जोही में कचरे जा ढेर लगल आन ब्रेक नाजरीन हैदराबाद का दादू में सफाई जो निज़ाम बेहतर करे गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमू दहन डी में फाल कर हुक्म दिनों वो है सिंध हाईकोर्ट बेंच सफाई जो निज़ाम बेहतर करे गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमू दहन डी में फाल कर हुक्म दई छो है इन हवाले से लाइन थे मौजूदा हैदराबाद में इमाम अली भलाई जी इमाम अली तफसील है जी बिल्कुल सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद दादू में सफाई सुथराई जो निज़ाम बेहतर बनाए उनको गैर फाल वाटर सप्लाई स्कीमों दहन दिन अंदर फाल कर हुक्म दई छो है सिविल जज 15 दिसंबर से तफसीली जी रिपोर्ट है वह अदालत में पेश उन एडवोकेट मुमताज आशार की जाती हैसियत में पिटिशन दाखिल कराई जैमें उनके चवण त दादू के कैनशा मेहड़ जोही समेत बेन इलाक में कचरे जहा ढेर पल म्युनसिपल कमेटी ज अमलदार को ध्यान ना दियन दरख्वास्त मौको अख्तियार किया जैं त वाटर सप्लाई की स्कीमू वेपार बनल अदालत पारा डीसी दादू के तलब कर अलावा एडीसी असद लाखोस समेत लागापल जे म्युनसिपल कमेटी ज अमलदार वे पेश थन गुजरल बुध ते अदालत चो तो अवा के हुक्म दिनो तो शहर में सफाई सुथराई कई वे स्कीमू फाल बनाई वन जडें ड्रेनेज नाल की सफाई सुथराई कई पी वे अमलदार चवना है हंधा हंधा कचरो खे वो है पर 10 दिन की मोहलत दिनी वन निशानदगी कल स्कीमू फाल बनाए कब्रस्तान की चौदीवारी दियारी वी जी ठीक है वही इमाम अली भलाई तफसील